नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, मैं सुरेश कौर ट्रिपल एस इन डिटारो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि की, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, यानी कि जो कैप्रिकॉन नो कॉन्टैक्ट में है, या सेपरेशन चला हुआ है, या ब्रेकअप चला हुआ है, या किसी भी कारण से अपने पर्सन से बातें नहीं हो रही हैं, दूरियाँ बनी हुई हैं, वो बातें नहीं कर पा रहे हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए वैलिड है। ये एक जनरल लव रीडिंग है, आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सन साइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है, जिस पर जो भी रेजोनेट करती है उसके अकॉर्डिंग आप एक्सेप्ट कीजिए। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिए। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 3 दिसंबर से 10 दिसंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। इसमें सबसे पहले आइए देखते हैं जो कैप्रिकॉन के पर्सन हैं उनकी कैप्रिकॉन को लेकर फीलिंग्स क्या है, वो उनके बारे में क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं राइट नाउ। टू ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन हैं वो अभी जगलिंग फेज में हैं, वो अभी जिगजैग कर रहे हैं, अभी वो कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं आपके लिए, उनको लगता है कि उन्हें कभी तो वो सोच रहे हैं कि उन्हें आपकी तरफ लव ऑफर लेकर आना चाहिए, एक बिगनिंग एक शुरुआत कर देनी चाहिए। कभी वो महसूस कर रहे हैं कि अभी समय सही नहीं आया है, वक्त सही नहीं आया, सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट इंतज़ार करना चाहिए। और जब तक सही समय सही वक्त आता है तो उन्हें अपने उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए जो पैसे के लिए हो सकता है, जॉब बिजनेस करियर के लिए हो सकता है, या जो भी काम उनके अटके हुए लाइफ में, उन कामों की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो अभी वो जगलिंग फेज में दिखाई दे रहे हैं। तो या फिर दूसरी तरफ ये भी कह सकते हैं कि कैप्रिकॉन वो आप अभी वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें जगलिंग फेज से बाहर निकलते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, एक बिगनिंग अभी वो सही समय आने का, सही वक्त आने का इंतज़ार करें, वेट करें, और जब सही समय सही वक्त आ जाए तो वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग एक शुरुआत करें, उनकी तरफ लव ऑफर लेकर आए। तो अभी वो दुविधा में हैं, परेशानी में हैं, वो समझ ही नहीं पा रहे कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो एक तरफ पैसे की तरफ जाना चाह रहे हैं, उसकी तरफ ऑप्शन चाहते हैं कि जो भी काम उनके रुके हुए हैं, पासपोर्ट वीज़ा के लिए हो सकता है, टूर ट्रैवल के लिए हो सकता है, या फिर फ़ौरन जाने का काम उनका अटका लटका हुआ है, तो उसके लिए अभी जगल करना चाह रहे हैं, उस पर फोकस करना चाह रहे हैं। या दूसरी तरफ वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में वापस चले जाना चाहिए, कभी ये रिश्ता उनके हाथ से ना चला जाए। तो अभी दुविधा में है, वो दो दो ऑप्शन होते हुए भी वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं अभी कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो ये हो सकता है कि कुछ केसेस में वो एक दूसरे से माफ़ी मांग लें और एक दूसरे के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, और कुछ केसेस में वो अपने जो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अपने जॉब बिजनेस करियर की तरफ, जो उनका पासपोर्ट वीज़ा था या फ़ौरन में जाने का जो सपना था, उसमें वो काम करें। तो अभी वो कन्फ्यूज्ड हैं अभी, तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉन के पर्सन कैप्रिकॉन से क्या चाहते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि ये रिश्ता जो है काफ़ी नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है, काफ़ी परेशानियां रही हैं इस रिश्ते में, ये रिश्ता कभी ख़त्म हुआ है, कभी फिर से शुरू हुआ है, इन एंड आउट की पोजीशन रही है इस रिश्ते में, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी रिश्ता ख़त्म हो रहा है, फिर से शुरू हो रहा है। तो वो चाहते हैं कि इस इन एंड आउट की जो भी स्थिति रही है उसको वो ख़त्म करें, क्योंकि ये रिश्ता हो सकता है कि कहीं ना कहीं पैसे को लेकर भी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर ट्रस्ट इश्यूज़ कि वो एक दूसरे पर किसी चीज़ के लिए भी भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि वो जो भी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, जो एक दूसरे पर बिलीव नहीं किया जा रहा है, भरोसा नहीं किया जा रहा है,
तो वो उन पर एक अंधविश्वास ना करे, लेकिन इतना विश्वास उन्हें करना पड़ेगा कि वो इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन कर सकें, एक दूसरे के लिए फॉरगिव कर सकें, एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकें, फिर से प्यार प्रेम से एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस रिश्ते को एक कर सकें। तो वो आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में एक दूसरे पर विश्वास भरोसा करें और इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें और दिल से ना सोचकर आप दिमाग से काम लें। अगर आप दिल से ना सोचकर दिमाग से भी काम लेंगे, क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, ट्रूथ के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि आपको क्या करना है। तो वो चाहते हैं कि आप दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लें, कन्फ्यूजन से बाहर निकलें, दुविधा ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ, और अपने मन को शांत करते हुए इसमें एक दूसरे को के लिए फॉरगिव करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे से प्यार प्रेम करें और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ जो अंधविश्वास हो रहा है उसमें विश्वास करें और पहले उस चीज़ पर फोकस करें जिस चीज़ के लिए उन्हें दुविधा हो रही है। यानी कि पैसे के लिए अगर दुविधा है या फिर ट्रस्ट इश्यूज है, तो एक दूसरे के लिए उन पर विश्वास करना सीखें। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं कि जो कैप्रिकॉन के पर्सन है वो क्या एक्शन लेंगे 3 दिसंबर से 10 दिसंबर के लिए। कैप्रिकॉन पर्सन के लिए, कैप्रिकॉन के पर्सन क्या डिसीजन लेने वाले हैं, एक्शन लेने वाले हैं, सॉरी, वो क्या एक्शन लेंगे इस रिश्ते में 3 दिसंबर से 10 दिसंबर के लिए। कैप्रिकॉन के पर्सन क्या एक्शन लेंगे। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर एंड पेज ऑफ कप्स। तो बॉटम ऑफ द डेक, डेथ का कार्ड आया है। तो वो उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं उन चीज़ों के लिए जो इस रिश्ते में रुकावटें दे रही हैं, बाधाएं दे रहे हैं, दिक्कतें दे रहे हैं। तो ये डेथ का मतलब आप गलत मत समझिएगा, ये एक चेंजिंग कार्ड है, चेंज करने का समय को, चेंज करने का वक्त को, चेंज करने का, उन चीज़ों को चेंज करने का जो बाधाएं रुकावटें दे रहे हैं। तो ये एक बिगनिंग, एक शुरुआत को भी दर्शाता है। तो वो चाह रहे हैं कि बजाय कि कन्फ्यूज़न में रहने के, जो ठीक है इस रिश्ते में एक दूसरे को दुख तकलीफ़ हुआ है, तो बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के परेशानी में रहने के, रातों की नींद हराम करने के, तो वो इसमें इस समय को, इस रिश्ते के लिए जो भी पनौती आई है, जो भी रुकावटें आई हैं, जो भी बाधाएं आई हैं, दुख तकलीफ़ हुआ है, तो वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि उनमें उन चीज़ों को थोड़ा सा समय दिया जाए, वक्त दिया जाए, समय के एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाए, कि ट्रांसफॉर्म किया जाए उन चीज़ों को। भले ही उन चीज़ों को छोड़ने में दुख तकलीफ होता है, लेकिन अगर उन चीज़ों को छोड़ देते हैं, उन चीज़ों को भुला देते हैं जो रुकावटें, बाधाएं, दिक्कतें आई थी, और पेशेंटली थोड़ा सा आप समय देते हैं, वक्त देते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं और एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, तो जो दुख के बादल हैं वो छट जाएंगे, जो परेशानी, दुविधा वो ख़त्म होगी और फिर से इस रिश्ते में धीरे धीरे करके एक अच्छी शुरुआत होनी शुरू हो जाएगी। तो वो यही इसमें एक्शन चाहते हैं, इस कन्फ्यूज़न से, इस परेशानी, इस दुविधा से बाहर निकलना चाहते हैं और जो पनौती, जो बाधाएं, जो रुकावटें, जो दिक्कतें आई हैं, वो उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं। थोड़ा सा इसमें एक हल ढूंढना चाहते हैं इस चीज़ का कि किस वजह से दिक्कतें आई हैं, किस वजह से प्रॉब्लम आई हैं। अगर वो समय देंगे, वक्त देंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ग्रह नक्षत्र की वजह से भी हो सकती हैं, कुछ चीज़ें समय का फेर होता है कि अचानक से कुछ ऐसी ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि रिश्ते में दरार आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, रिश्ता ख़त्म हो जाता है। लेकिन समय को, वक्त को थोड़ा सा समय दें और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, एक दूसरे से माफ़ी मांग लें। और यहाँ कुछ ना कुछ रिश्ते में प्रॉब्लम हो सकता है कि एज डिफरेंस भी हो सकता है, क्योंकि जो ये एनर्जी है ये इमेच्योर है, यानी कि उम्र में छोटी हो सकती है, एक नई एनर्जी है, इमेच्योर एनर्जी है, तो इस वजह से भी
थोड़ी सी प्रॉब्लम इस रिश्ते में हो सकती है, लेकिन समय के साथ, वक्त के साथ, धीरे धीरे ये यंग एनर्जी के साथ मिलकर अगर आगे बढ़ेंगे, इस कंफ्यूजन डाउट से बाहर निकलेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तो एक अच्छी शुरुआत इस रिश्ते में हो सकती है। वो यही इस रिश्ते में एक्शन लेने वाले हैं कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं इस रिश्ते में। तो इसका देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या चाहते हैं। यूनिवर्स जी क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए, कि रिश्ता रखना चाहिए या अभी खत्म करना चाहिए या वेट करना चाहिए, देखते हैं। द हाई प्रिस्टेस, द चैरिट एंड जस्टिस। तो यूनिवर्स जी गाइड करना चाह रहे हैं कि आप अगर कोई बात जानते भी हैं, कोई सीक्रेट जानते भी हैं, तो अभी उसे अपने तक रखिए, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहिए, समझदारी के साथ काम लीजिए और डिटरमिंड बंदे की तरह, जो एक सेना का सिपाही होता है उसकी तरह, करेज के साथ, हिम्मत के साथ, साहस के साथ आगे बढ़िए, पीछे मत हटिए, बीच में मत रुकिए, आगे बढ़ते चलिए। अगर आप आगे बढ़ते चलेंगे, हिम्मत, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो सितारे भी आपका साथ देंगे। तो और जो परेशानी, जो दुविधाएं आई हैं इस रिश्ते में, वो सारी खत्म होंगी, रिकॉन्सिलेशन होगा और एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए। जो भी परेशानी, जो भी दुविधाएं, जो भी संकट इस रिश्ते में आए हैं, वो उसमें जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, न्यायप्रिय ये रिश्ता मिलेगा। और अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो उसका भी उन्हें भुगतान करना पड़ेगा, लेकिन अगर किसी ने कोई गलती नहीं की है, छोटी मोटी गलतियां हुई हैं, तो एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को समझिए। एक जो परेशानी, जो रिश्ते में कड़वाहट हुई है, जो दूरियां आई हैं, जो डिप्रेशन में गए हैं आप, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म होंगी और फिर से रिकॉन्सिलेशन होगा, फिर से ये रिश्ता एक बनेगा और इस रिश्ते में खुशहाली आएगी। जो भी दुख के बादल हैं, जो भी रुकावटें हैं, अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे, बढ़ते चलेंगे, तो ये जो रुकावट है ये ख़त्म होगी और एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत होगी। तो आप आगे बढ़िए और अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहिए, समझदारी के साथ काम लीजिए, चुप रहिए, मौन रहिए, खामोश रहिए, तर्क वितर्क मत कीजिए, और समझदारी के साथ काम लेंगे तो एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। जो परेशानियां, जो दुविधाएं, जो रुकावटें इस रिश्ते में आई हैं, वो सारी ख़त्म हो सकती हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो फिर मिलते हैं, नमस्ते, थैंक यू सो मच।